मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एमपी के जबलपुर पहुंची। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है, आपका इस्तेमाल हुआ, आपका शोषण हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि 2018 में आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार को चुना, लेकिन धन बल से जनादेश को कुचल दिया गया। प्रियंका ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। उसके बाद बीजेपी कहां शांत बैठने वालों में से, उसने भी हमला किया। यहां से टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन इस हमले के बीच बीजेपी ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। बीजेपी ने ये बताया है कि राहुल गांधी ने आखिर अपनी बहन प्रियंका को जबलपुर क्यों भेजा। दरअसल प्रियंका गांधी जैसे ही जबलपुर दौरे पर गई, वैसे ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने 2018 में मध्य प्रदेश में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो उन्होंने अपनी बहन को भेजा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर कहा, बंगाल को ममता बनर्जी के लोग जला रहे हैं। बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा हो रही है और यहां की पहचान हिंसा और भ्रष्टाचार की बन गई है। ममता बनर्जी और बिहार के लालू यादव के शासनकाल में पैसे पर नौकरी मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एक सेना का जवान अपनी बीवी की सिक्योरिटी की गुहार लगा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पीएम ने सफल सरकार दी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था कि 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएंगे। मेरी बहनों के खाते में 1500 रुपए आ गए। क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? जब कांग्रेसी आए तो गोबर बचा के रखो, आपको पता है कि क्या करना है। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी बहन को भेज दिया। फिलहाल अनुराग ठाकुर के इस हमले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।